गुड मॉर्निंग साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह और आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न अचीव विद हरबीर सिंह में दिल से स्वागत है। साथियों, मॉर्निंग न्यूज के साथ मैं हूं हरबीर सिंह और आज आपको दो अच्छी न्यूज बताने वाला हूं। एक है रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई कि रेलवे में कुछ नई वैकेंसी निकली हुई हैं, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था, और आज भी मैं आपको कुछ वैकेंसीज हैं जिनके बारे में बताने वाला हूँ। 14,000 के लगभग वैकेंसी है इसमें, तो इनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके बाद साथियों, DSSB के बारे में भी आपको कुछ अपडेट देना चाहूँगा। तो साथियों, वीडियो के साथ बने रहिए, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साथियों, आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि DSSB में रिजल्ट को लेकर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चली हुई है और जो साथी रिजल्ट चाहते हैं वो काफ़ी निराश हुए पड़े हैं और काफ़ी मैसेज कॉल आ रहे थे मेरे पास, और उसके लिए हम जल्दी ही कोई एक स्टेप लेने वाले हैं। हालांकि कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड कमेंट्स भी आए थे, तो हालांकि मैं वो शेयर नहीं करना चाहता, लेकिन साथियों कमेंट करने से पहले आप एक बार देख लें। जो ऐसे कुछ होते हैं जो गुमराह करते हैं, तो ऐसे साथियों से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ें ना करें। अगर आप रिजल्ट नहीं चाहते तो प्लीज़ दूसरों को परेशान ना करें। तो बता देना चाहता हूँ साथियों, अभी रिजल्ट को लेके हम एक बड़ा स्टेप लेने वाले हैं जितना जल्दी हो सकता है, और उसमें आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। इसके बाद हमारे नाम से कुछ अफवाह फैला दी जाती हैं। अभी मैं देख रहा था, कल व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज चला हुआ था कि लर्न अचीव विद हरबीर सिंह और इतने मार्क्स कट ऑफ गई। तो जो भी न्यूज़ है साथियों, आपको इस चैनल पे मिलेंगी, तो आप जो अफवाह हैं उन पे ध्यान ना दें, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें, अगर कोई जेन्युइन सोर्स नहीं होता तो मैं ऐसी चीज़ें सबसे पहले फैलाता नहीं हूँ। और जो हमारे साथी हैं उनका भी एक चैनल है, वो मैं आपको आने वाले कुछ टाइम में बता दूंगा उनके बारे में भी। तो जो जेन्युइन सोर्स है आपको यहाँ से मिलेंगे, और कुछ अच्छे यूट्यूबर्स हैं वहाँ से भी मिल सकते हैं। तो साथियों, अभी बात करते हैं जो रिजल्ट है, रिजल्ट के लिए जल्दी ही कोई स्टेप लिया जाएगा, तो आप एक्टिव रहें और जितना हो सके आपको वहाँ पे आना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे लेडीज जेंट्स जो भी हैं सभी वहाँ पे आए, प्रेजेंट होना पड़ेगा, क्योंकि अगर डिले हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर आएंगे, और अफवाह हैं उन पे आप ध्यान ना दें। इसके बाद एक बड़ी खबर आ रही है रेलवे डिपार्टमेंट से, और जो साथी 2019 में जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता हूं। तो ये जो वैकेंसी है रेलवे डिपार्टमेंट में है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB जो इसका नाम है, इसमें साथियों जो पोस्ट हैं 13,487 पोस्ट हैं, और जो जूनियर इंजीनियर DMS और CMA इन पोस्ट के लिए हैं ये 13,487। इसमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए BTech, डिप्लोमा या ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए बंदा, BTech और डिप्लोमा ये चीज़ें उसके पास होनी चाहिए, एज 18 से 33, और जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनको एज में छूट मिलेगी। लास्ट डेट है जो वो 31 जनवरी है, 31st जनवरी, तो अभी आपके पास टाइम है, आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो एग्जाम फी रहेगी 250 से 500 रुपये रहेगी, 250 और 500, 250 रुपये जो रिजर्व कैटेगरीज हैं और 500 रुपये जो UR वाले हैं उनके लिए होगी। तो साथियों, जो भी साथी अप्लाई करना चाहते हैं वो रेलवे की मेन वेबसाइट है या किसी भी साइबर कैफे पे जाके बता सकते हैं कि 13,487 पद हैं, जूनियर इंजीनियर DMS और CMA इनके लिए अप्लाई करना है, तो वो आप वहां से इजीली कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो साथियों, एक बार फिर कहना चाहता हूं कि अफवाह पे ध्यान ना दें, जो भी न्यूज होगी आपको टाइम टू टाइम पहुंचा दी जाएगी।
तो साथी ये सब कहते हुए उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। तो साथियों गुड बाय, टेक केयर एंड आपका दिन अच्छा जाए, शुभ जाए। तो थैंक यू साथियों।